हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबरॉय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं सावन की। सावन पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम शिव के सोमवार के व्रत रखते हैं, शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव सभी के देवता हैं, देवताओं के भी, दानवों के भी, राक्षसों के भी, हर प्राणी मात्र के देव शिव हैं। जिसका कोई गुरु नहीं वो शिव को अपना गुरु मानकर पूजा करता है तो उसकी पूजा सार्थक हो जाती है। हर चीज़ जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ, उसका अंत में भोग जो है वो शिव को ही जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भस्म है वो शिव को चढ़ती है। आप कोई हवन भी करते हैं वो तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक आप उसकी राख को जल प्रवाहित ना कर दें। तो वो जल प्रवाहित जो हम करते हैं वो शिव को ही जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो राख है वो भी हम गंगा जल डाल के आते हैं, यही भाव से कि अब इसकी मुक्ति हुई। क्यों हुई? शिव के कारण। शिव को ही समर्पित है। जब तक शिव को भोग नहीं लगता, शिव तक वो चीज़ नहीं जाती, आपको उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए हर चीज़ को पूजा के बाद जल प्रवाहित करने का एक नियम है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई खास पूजा विशेष कुछ नहीं है। आपके पास जो है वही विशेष है। सबसे विशेष आपके भाव हैं। जिस भाव से आप उनकी पूजा करेंगे वो उसी भाव से आपको फल दे देंगे। यही शिव की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने राक्षसों को, देवताओं को, यक्षों को, सबको बराबर सम्मान दिया है। उन्होंने यक्ष, जो कि यक्षराज हैं, कुबेर महाराज, उनको धन संग्रह बनाया। उन्होंने रावण जैसे राक्षस को भी इतने वरदान दिए। ये उनका भाव है कि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर किसी को भोले भाव से वरदान दिए हैं। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए आज हम उपाय बता रहे हैं। वैसे तो सब चरणामृत चढ़ाते ही हैं, बेलपत्र चढ़ाते ही हैं, पर आज मैं कुछ बता रही हूँ खास। वो ये है कि जिनकी साढ़े साती चल रही है वो जल में काले तिल डालकर शिव को अर्पित करें और शम्मी के फूल उन्हें अर्पित करें। जिन्हें भी साढ़े साती से कनेक्टेड इशू आ रहा है वो दूर हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी को राहु से कनेक्टेड कोई इशू है तो वो चंदन का लेप चढ़ाए, लेप बना के उससे शिवलिंग का श्रृंगार करे और चंदन का ही इत्र चढ़ाए, तो इससे राहु खुश हो जाएंगे और उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। उसी तरह से केतु से कनेक्टेड अगर कोई इशू आ रहा है तो काले और सफ़ेद तिल दोनों मिक्स करके उन पर जलधारा चढ़ाएँ, साथ ही मंदिर में झंडा लगाएँ, तो इससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव भी प्रसन्न होंगे और इससे केतु भी शांत हो जाएंगे। उसी तरह से शुक्र को अच्छा करने के लिए दही अर्पित कीजिए, फलों का रस, जिसमें आप मौसम्मी, आप अनार का फल रस ले सकते हैं और गन्ने का रस स्पेशली आप ले सकते हैं। उनसे अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो भी आपको उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह अगर बृहस्पति से कनेक्टेड कोई इशू है तो आप केसर का जल अर्पित करें, उन पर चने की दाल के आप उनको मिठाई बना के खिला सकते हैं, बेसन के मिठाई उनको अर्पित कर सकते हैं और पीले फल आप उनको अर्पित कर सकते हैं, तो उससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से बुध को अच्छा करने के लिए आप उनके ऊपर हरी चीज़ें, जैसे हरे फल हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, उनका रस आप चढ़ा सकते हैं, अंगूर का रस आप चढ़ा सकते हैं, हरे मूँग डाल के आप लड्डू बना के उनको भोग लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको चंद्रमा से कनेक्टेड कोई इशू आ रहा है, चंद्रमा के लिए आप जल में दूध डाल के देसी घी से अगर आप उनका श्रृंगार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपको उससे लाभ होगा। उसी तरह से अगर मंगल से कनेक्टेड आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मंगल को आप शांत करना चाहते हैं, तो मसूर की दाल आप उनको अर्पित कर सकते हैं, अनार अर्पित कर सकते हैं, लाल रंग का चंदन, उससे आप उनको अभिषेक कर सकते हैं, तो उससे मंगल जो है वो शांत हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप सभी प्लैनेट्स की अपनी दशा देखकर, अंतरदशा पर अंतरदशा जानकर अपने एस्ट्रोलॉजर से अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली एनालाइज करें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी दशा अंतरदशा पर अंतरदशा चल रही है, जिससे कनेक्टेड आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। उसी तरह से अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी में अड़चन आ रही है या शादीशुदा जिंदगी में कहीं उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो आप पान के पत्ते के ऊपर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर रख के
उस पत्ते को उल्टा करके आप शिवलिंग पर रखें और भाव दें कि हे शिवा, हे शक्ति, आप मेरे जीवन साथी जो भी जहाँ भी हैं उन्हें मुझसे मिलवाएं ताकि मेरी शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हों। उसी तरह से जिनकी कोई परेशानी चल रही है, आपस में अनबन चल रही है, वो कहें कि हम दोनों के जीवन में ये जो अड़चने अनबन चल रही है उसे आप दूर करें। ऐसा आप सारे सोमवार कर सकते हैं सावन के, या फिर अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप उनको पान चढ़ाएँ, आप उनकी पूरा श्रृंगार करें, उसके बाद ये उपाय करें, आपको 100% लाभ होगा, आपका जीवन साथी आपको जल्दी ही मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सावन में अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आप चाहें उसी अनुसार आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। रुद्राभिषेक करने से जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं उनसे कनेक्टेड जो आपके प्लैनेट्स हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जो उदंडता दिखा सके शिव के आगे। शिव भोले हैं पर शिव सबको बैलेंस करना जानते हैं, तो इसलिए आप सबके जीवन में यही बैलेंस बना रहे, यही हमारी इच्छा है। अगर किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो तो उसके लिए भी वो मत्स्य संजीवनी माँ मृत्यु जय मंत्र का जाप कर सकता है। ये बहुत अच्छा समय है शिव को खुश करने का, शक्ति को खुश करने का। हर और हरियाली है शिव की कृपा से। हम कोरोना जैसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, तो अगर आप सब रुद्राभिषेक करवाते हैं, मृत्यु संजीवनी का मंत्र जाप करते हैं, तो आपको हर रोग से मुक्ति मिलेगी और उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे स्वयं शिव। तो अपने घर की सुख शांति के लिए रुद्राभिषेक ज़रूर करवाएं, उनको बेलपत्र चढ़ाएं, उन पे कमल के फूल चढ़ाएं, अनार के गुलाब के फूल चढ़ाएं, कमल के फूल चढ़ाएं। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप कुछ ना कुछ उनको अर्पित ज़रूर करें। और व्रत जो रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। शिव ये नहीं कहते कि आप भूखे रहें, शिव कहते हैं बस आप मेरे रहें और मैं आपका हूँ। आपके हृदय में अगर शिव है तो शिव हैं, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं या कुछ भी हैं, बस शिवमय हो जाइए, आपको आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। आपकी राशि अनुसार आप उन्हें देख समझें और उनके उपाय करें। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।